आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली के बैढ़न में आयोजित कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी के स्मारक निर्माण के लिए काशी से लाए गए गंगा जल और चरण पादुकाओं का पूजन एवं रथ में विराजित कर समरसता यात्रा का शुभारंभ किया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैढ़न में आयोजित कार्यक्रम में काशी और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे संतों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के सरई में 672 करोड़ लागत की रेहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया एवं शासकीय महाविद्यालय देवसर के नवनिर्मित भवन और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। सिंगरौली के सरई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में बेगा जनजाति को अति पिछड़ी जाति में शामिल करने, निवास में कॉलेज खोलने, सरई में बाईपास मार्ग स्वीकृत करने समेत अनेक घोषणाएं की। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के सरई में आयोजित कार्यक्रम में तेंदुपत्ता संग्राहक भाई बहनों को मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत साड़ी, चप्पल, जूते और पानी की कुप्पी प्रदान कर शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस पर शौर्य स्मारक स्थित शौर्य स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके शौर्य और बलिदान का स्मरण किया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में श्यामला एली स्थित उद्यान में बरगद, जामुन और महुआ के पौधे रोपे। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगंज में संत श्री रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए निकाली जा रही समरसता यात्रा में सहभागिता की और यात्रा में संतजनों का स्वागत किया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल में नवनिर्मित हो रहे संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्थित पार्क के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने शाहजहांपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 11 संकुल की तीन वर्गों की क्षेत्रीय बालिका बास्केटबॉल स्पर्धा का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।